हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। न्यू वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ गाइस जगन्नाथ जी के लिए प्रसाद। जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाने के लिए मैंने लिया है गेहूँ, और गेहूँ आप अपनी क्वांटिटी से ले सकते हैं। जितने आपके घर में मेंबर हो उस हिसाब से आप प्रसाद, चाहे जितना भी बनाए कम होता है। सो गाइस, मैंने ले लिया है गेहूँ, और गेहूँ मैंने एक कटोरी समथिंग लिया है। और इसको गेहूँ को घर में भूनने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे और घर में भून लेंगे। तो भूनने के लिए परफेक्ट, आपको अगर एक रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कहाँ से देख रहे हैं, किस जगह से, कौन से शहर से देख रहे हैं, तो इस तरीके से आप गेहूं को आप कढ़ाई गरम करके और इसमें गेहूं डाल देंगे। गैस को ऑन करना है, गैस को ऑफ नहीं रखना है, और इस तरीके से इसको ढक देंगे। जब ढक देंगे तो गेहूं आपस में चटर चटर होंगे और ये इस तरीके से कूदने लगते हैं। और जब ये गेहूं आपस में जब कूदेंगे तो ये इनको आपको ढक कर रखना है, नहीं तो आपके गेहूँ चारों तरफ बिखर जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे गेहूँ आपस में चटक रहे हैं एक दूसरे से तेज आँच में। तो लीजिए, मैंने ढक दिया थाली और गेहूँ अच्छे से पक गए हैं, और इधर उधर आप देख सकते हैं कितने गिरे हुए हैं। तो मैंने थाली फटाक से बंद कर दी, नहीं तो गेहूं सारे बाहर हो जाते, कढ़ाई खाली हो जाती। तो गैस इस तरीके से जगन्नाथ जी का प्रसाद बनाने के लिए परफेक्ट आप प्रसाद बना सकते हैं। इसको गैस बोलते हैं गुड़ धनिया, गुड़ धनिया। तो इस तरीके से गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें डाल देंगे गुड़। तो गैस को ऑफ कर दिया, नहीं तो गुड़ जल जाएगा। तो जो गेहूं गरम है तो ऑलरेडी, तो ये गुड़ धनिया आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो गैस जगन्नाथ जी के प्रसाद में गुड़ धनिया का प्रसाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इस प्रसाद के बगैर तो पूरा प्रसाद नहीं होता है। इस तरीके से गुड़ धनिया बनकर तैयार हो गया है प्रसाद गेहूँ का। तो इस तरीके से आप गैस बना सकते हैं। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं गुड़ धनिया का प्रसाद। गुड़ और धनिया तो इसे बोलते हैं जगन्नाथ जी के प्रसाद में, ये बहुत ही ज़्यादा है ये महत्वपूर्ण, और इसको आपको प्रसाद में जरूर मिलता है जगन्नाथ जी का प्रसाद। आप जगन्नाथ जी अगर गए होंगे तो आपको गुड़ धनिया का प्रसाद आपने खाया होगा। तो इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं। तो घर में जो जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं उसमें इस तरीके से आप जगन्नाथ जी का प्रसाद बना सकते हैं। तो लीजिए, परफेक्ट बनकर तैयार हो गया। तो बोलिए जय जगन्नाथ जी महाराज की जय। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं बनाऊंगी अब नेक्स्ट स्टेप पे बनाने जा रही हूँ। इस तरीके से आप गुड़ धनिया का प्रसाद बनाइएगा और सबको बांटिएगा। तो लीजिए, मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। तो जगन्नाथ जी के प्रसाद में गैस गुजिया बहुत ही ज़रूरी है, और गुजिया का प्रसाद का भोग लगता है। तो मैंने ले लिया है खोया और आधा किलो समथिंग खोया है। इसको हल्का सा गुलाबी कर लेंगे, और गुलाबी करने के लिए ज़्यादा जलाना नहीं है, बस गैस को थोड़ा सा ऑन करना है और कढ़ाई को गर्म करना है और खोए को पिघलाना है, हल्का सा गुलाबी इसको फ्राई कर लेना है। तो लीजिए, इस तरीके से मैं फ्राई कर ले रही हूँ खोया को, और इसको ठंडा करने के लिए पंखे की हवा में इसको ठंडा कर देंगे। तो लीजिए, ये अच्छे से परफेक्ट गुलाबी हो गया है। गैस को लो फ्लेम पर रखना है, हाई फ्लेम पर नहीं तो ये खोया जल जाएगा आपका। तो इस तरीके से परफेक्ट आप गुजिया जगन्नाथ जी के प्रसाद में गैस गुजिया बनाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो मैंने ले लिया है मैदा, तो मैदा आप अपनी क्वांटिटी से ले सकते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, जो मैंने एक कटोरी ऑयल लिया है, और इस तरीके से इसका डो परफेक्ट तैयार करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, और इस तरीके से डो परफेक्ट तैयार कर लेंगे। तो गैस गुजिया बनाने के लिए डो थोड़ा ऐसा रहता है टाइट, और थोड़ी सी मैदा लेंगे और उसमें कटोरी में डाल देंगे। तो गुजिया के जो चारों तरफ लगाने के लिए, जो मैंने अभी आपको दिखाया था एक कटोरे में, तो इस तरीके से डो परफेक्ट तैयार हो गया है। आप अंगूठे से दबा कर देख सकते हैं कि थोड़ा टाइट ही रखना है, जैसे पूरी का डो तैयार करते हैं। तो मैंने बना लिया है परफेक्ट डो। तो अब इसको ढक देंगे 15 मिनट के लिए। अब चीनी के लिए मैं घर में ही चीनी पीस ले रही हूँ, चाहे तो आप भूरा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से इस पर डाल देंगे इलायची, और चीनी को घर में मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। तो परफेक्ट चीनी पीसकर तैयार हो गई है, चाहे तो आप भूरा भी ले सकते हैं। और मिक्सी के जार को तुरंत धोकर रखिएगा, और इस तरीके से खोया भी ठंडा हो गया है। खोया जब परफेक्ट ठंडा हो जाएगा बिल्कुल, तभी आपको इसमें सूखी चीनी डालना है, जो मैंने अभी पीस कर रखी थी। तो अगर हल्का भी गर्म होगा तो आपकी चीनी जो है पिघल जाएगी, चाहे तो भूरा हो या चीनी हो, जो भी है सब पिघल जाएगा और आपका हलवा बन जाएगा इस तरीके से। खोए का आपका नहीं, इस तरीके से खोए का हलवा बन जाएगा। तो इस तरीके से अब आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ठंडा है। दोनों हथेलियों से मसल लिया था, जो भी हल्की सी नमी अगर होगी गुनगुनाहट, वो भी ठंडी हो जाए तभी आप इसे मिक्स करिएगा। और मैं गुजिया बनाने के लिए गुजिया के खांचे साँचे जो आते हैं वो ले लिए। इसको बेल लेंगे, और बेलने के पूड़ी के बराबर बेल लेना है, और गुजिया का साँचा जो है पूड़ी के बराबर इसमें रख के चारों तरफ इसमें मैदे का घोल लगा देंगे पतला, जो मैंने डो तैयार किया था गुजिया के लिए। तो इस तरीके से परफेक्ट इसके अंदर भर के गुजिया इस तरीके से गैस आप बना सकते हैं, और बहुत ही जल्दी गुजिया बन जाती है। इस तरीके से गैस आप देख सकते हैं कि लंबी वाली गुजिया है, साँचा जो मैंने लिया है लंबा। तो बीच में रख देंगे 1 चम्मच, और चारों तरफ गीला मैदा लगा कर, और इस तरीके से दबा देंगे। इस तरीके से गैस आप फटाफट गुजिया मैंने बना ली है, और इसको ढककर ही रखना है, नहीं तो ये सूख जाएंगी, तो आपकी कढ़ाई में जब तलेंगे तो ये फट के अलग हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैंने हाथ से भी गुजिया भूकर तैयार की है, और इस तरीके से हाथ से भी भूज सकते हैं। तो कढ़ाई को गर्म करेंगे और इसमें गुजिया
डाल देंगे। तो एक एक करके इसमें सारी गुजिया मैंने थोड़ी सी डाल दी है, जितनी परफेक्ट ऑयल है उतना ही डालना है। थोड़ा थोड़ा करके इसको गुजिया को तलना है और गुजिया को ढककर ही रखना है, नहीं तो ढक नहीं रखेंगे तो ये चटक जाएंगी और आपका घी जो है कढ़ाई का ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप परफेक्ट ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपकी गुजिया बनाने का नेक्स्ट स्टेप ये रहता है कि आपकी सॉफ्ट और हल्की गुलाबी तलनी चाहिए। तो इस तरीके से इसको मैंने लो फ्लेम पर ही इसको तला है और इस तरीके से अच्छे से तल दी है गुजिया। तो एक गुजिया मेरी फट गई है जो इस तरीके से को इसने ऑयल को ख़राब कर दिया है। तो कोई बात नहीं, सारी गुजिया निकाल लेंगे और जो खोया फैल गया था उसको निकाल देंगे और ऐसे ही सारी गुजियों को जितनी मैंने गुजियाँ बनाई हैं इसी तरीके से तल लेंगे और इसको बहुत ही हल्के हाथों से पलटना है। ऑलरेडी अपने आप ही पलट जाती हैं, जो जिद्दी गुजियाँ होती हैं वो नहीं पलटती हैं, उनके लिए कर्ची लगा कर ऐसे तवाना पड़ता है। तो इस तरीके से गैस परफेक्ट गुजियाँ मेरी बनकर तैयार हो गई हैं। तो गैस आप इस तरीके से गुजियाँ बना सकते हैं और जगन्नाथ जी के प्रसाद के लिए गुजियाँ भी परफेक्ट तैयार हो गई हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने अब बनाएंगे तीसरा प्रसाद। तीसरा प्रसाद बनाने के लिए बनाएंगे मीठी पूड़ी और सादा पूड़ी। तो इस तरीके से आटे को छान लेंगे, जितनी क्वांटिटी से आप बनाना चाहें कोई बात नहीं। तो मैंने थोड़ा मीठी पूड़ी बनाने के लिए गुड़ को पिघला लिया है, इसमें गुड़ और चीनी डाला है और इस तरीके से मैंने हल्का सा गर्म गुनगुने पानी में गुनगुना कर लेंगे हल्का सा। तो गुड़ और चीनी को इस तरीके से घोल पर तैयार कर लेंगे और घोल को ठंडा कर लेना है, तुरंत नहीं डो तैयार करना है। तो आप लीजिए अच्छे से गुड़ और चीनी मिक्स हो गया है और मिक्स हो जाने के बाद और जो थोड़ा सा आटा लेंगे, डेढ़ कटोरी मैंने आटा लिया है, एक चम्मच इसमें ऑयल डालेंगे और मीठी पूड़ी बनाएंगे। चाहे तो आप इसमें सौंफ और इलायची भी डाल सकते हैं। तो मीठी पूड़ी बनाने के लिए गाइस जो मैंने घोल तैयार किया था गुड़ और चीनी का वो इसमें डाल देंगे। इस तरीके से सारा मैंने डाल दिया है आटे में और ऑयल डाला है और इस तरीके से इसका डो तैयार कर लेंगे। डो गाइस पूड़ी की तरीके ही तैयार करना है, जैसे पूड़ी का डो तैयार करते हैं थोड़ा सा टाइट ही रहता है, तो इस तरीके से परफेक्ट डो तैयार कर लेना है। तो मीठी पूड़ी गाइस इलायची मैंने ले ली है, इलायची के दाने डाल देंगे, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है और चाहे तो सौंफ भी डाल सकते हैं। सौंफ मैंने नहीं डाली है, सौंफ डालने से भी ठीक रहता है मगर आपको पसंद है तो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। तो इस तरीके से गाइस डो परफेक्ट तैयार कर लेंगे। तो लीजिए मैंने डो तैयार कर लिया है मीठी पूड़ी के लिए, थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा टाइट ही रखना है, ढीला नहीं रखना है और इस तरीके से गाइस परफेक्ट डो आप तैयार कर सकते हैं मीठी पूड़ी के लिए। तो मीठी पूड़ी गाइस वैसे भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और जगन्नाथ जी के प्रसाद में मीठी पूड़ी ना बने तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो गाइस इस तरीके से मीठी पूड़ी आप खा सकते हैं, जगन्नाथ जी के प्रसाद में आप गुजिया मीठी पूड़ी हलवा और इस तरीके से बना सकते हैं। तो बनाएंगे सादा पूड़ी का डो तैयार कर लेते हैं। सादा पूड़ी के डो तैयार करने के लिए जैसे आप पूड़ी बनाते हैं प्रसाद के लिए, मैं पूड़ी बना रही हूँ गाइस, तो इस तरीके से डो इसका वैसा ही तैयार करना है, थोड़ा टाइट तैयार करना है। तो इस तरीके से परफेक्ट अच्छे से तैयार कर लिया है डो को और इसको 15 मिनट के लिए डो अच्छे से तैयार करने के बाद रख देना है ताकि ये सेट हो जाए अच्छे से। जब ये आटा अच्छे से फूल जाएगा तो पूड़ी आपकी बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो इस तरीके से आप गाइस कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, कौन सी जगह से देख रहे हैं, कौन से शहर से देख रहे हैं गाइस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और किस जगह से देख रहे हैं तो गाइस उसमें लिखिएगा तो मैं पढ़ती हूँ, कमेंट आपके कमेंट का जवाब भी दूँगी। इस तरीके से गैस में गैस को ऑन करूँगी, ऑन करने के बाद इसमें डालूँगी ऑयल, ऑयल अच्छे से परफेक्ट गर्म हो जाए और तभी इसमें मीठी पूड़ी बेल लेंगे। तो मीठी पूड़ी बेलने के लिए गैस मैंने लिया है चका बेलन और चका बेलन मीठी पूड़ी। सबसे पहले बनाएंगे गैस मीठी पूड़ी। मीठी पूड़ी बनाने के लिए चका बेलन में इसे डो को अच्छे से मसल लेंगे, जितना डो अच्छे से तैयार करेंगे उतने ही आपकी मीठी पूड़ी बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो गैस को लो फ्लेम पर कर देंगे और इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। तो इसको गैस पिटौआ भी बोलते हैं। तो गैस मेरे यहाँ तो मम्मी इसको मीठी पूड़ी को पिटौआ बोलती थी, तो ये पिटौआ भी आप कह सकते हैं, चाहे तो मीठी पूड़ी कह सकते हैं, मीठे पुए कह सकते हैं, पुए भी लोग बोलते हैं। तो इस तरीके से चाहे आप जो भी बोलते हो गाइस बताइएगा, तो मैं तो इस समय मीठी पूड़ी ही बोल रही हूँ। तो इस तरीके से लोई को छोटे छोटे काट लेंगे और काटने के बाद गोल गोल कर लेंगे और बनाएंगे मीठी पूड़ी। इस तरीके से बेल लेंगे चका बेलन पे फटाफट, और थोड़ा मोटा बेलना है और थोड़ा छोटा बेलना है, मोटा और छोटा दोनों। इस तरीके से सारे मैं बेल कर तैयार कर लेती हूँ और जितने पूए आपको बनाना हो उतने आप बनाइएगा। मैं 11 बना रही हूँ गैस पूजा के लिए, फटाफट बना ले रही हूँ, बाकी बाद में बनाऊँगी। तो इस तरीके से बनाऊँगी सादा पूड़ी। सादा पूड़ी बनाने के लिए गैस इस तरीके से छोटी छोटी लोई तोड़ लेंगे और तोड़ने के बाद इसको बेल लेंगे। तो इस तरीके से जगन्नाथ जी के प्रसाद में आप इस तरीके से पूड़ियाँ बना सकते हैं गैस, चाहे तो फिर बाद में खाने के लिए थोड़ी सी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बना लीजिएगा, लेकिन पूजा के लिए छोटी छोटी पूड़ियाँ बनानी है। तो इस तरीके से बना ली है मैंने मीठी पूड़ी और मीठे फीकी पूड़ी सादा पूड़ी। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और पुए को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए
इसको गैस को लो फ्लेम पर रखेंगे। और मैंने सादा पूड़ी और मीठी पूड़ी दोनों इस तरीके से कढ़ाई में डाल दी है। मीठी पूड़ी को थोड़ी देर से निकालना है और सादा पूड़ी को जल्दी निकाल लिया है। तो दोनों अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, दोनों तरफ पलट के अच्छे से फ्राई कर लेना। तो लीजिए मैंने तैयार कर ली है, ये है सादा पूड़ी और ये है मीठी पूड़ी। इस तरीके से गैस आप परफेक्ट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आपको गैस मीठी पूड़ी और सादा पूड़ी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर नए हैं मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। इस तरीके से गैस बना सकते हैं प्रसाद मीठी पूड़ी और सादा पूड़ी का। तो आप ये जो मैंने बड़े पुआ बनाए हैं इससे भी आप बना सकते हैं बड़े बड़े। तो दो मैंने बड़े बनाए हैं, बाकी छोटे बनाए हैं। इस तरीके से परफेक्ट गैस आप बना सकते हैं। आपको रेसिपी कैसी मिली लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे।